वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद हम और हमारे साथ हैं मारिया वास्फी और फिया। अच्छा मारिया, मॉडलिंग मैंने आपके फोटोशूट देखा है रिसेंटली, जो आकिफ ने किया था। ब्यूटीफुल आकिफ, बहुत ही रियली गुड, बहुत अच्छा शूट। मैं उसी के साथ कंफर्टेबल हूँ काम करने में, मैं ज्यादा किया और काम कराती हैं फोटोशूट, ज्यादा नहीं कराती क्योंकि वो जिस दिन आप कहते हो ना कि शूटिंग से छुट्टी है आप फोटोशूट कर लें तो बंदा कहता है घर पे सो लेते हैं। घर में क्या करती हैं, व्हाट इज योर हॉबी? When I'm at home, I just, you know, relax. एक तो कम होता है वो टाइम, दूसरा एक ये होता है कि वार्डरोब ठीक करनी है, everything has to be, नहीं बिल्कुल नहीं आती बिल्कुल नहीं आती। और you're dependent on others, right? हाँ, मैं बनवा लेती हूँ, बनाना नहीं आता मुझे। बनाना अच्छा आता है मुझे। आप आती हैं कुकिंग? हाँ, मुझे आती है। सब कुछ बना लेती हैं? बस सिरी पाई वगैरह टाइप चीजें नहीं बना। अल्लाह, वो तो बहुत ही मुश्किल। उल्लू उल्लू मैं देव को भी बना, बहुत अच्छा बना लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अब खुद उल्लू बनना बंद बन बहुत जाते ना। नहीं, मुझे डर ये है कि व्हेन आई एक वो है कि जब मैं खाना बनाऊंगी तो मैं साथ साथ खाती जाऊंगी। आई वांट टू अवॉइड दैट, इसलिए मैं नहीं सीरियसली मैं इस वजह से मैं इतनी घबरा गई कि मैंने ये काम चखते चखते मैं हांडी खा ली। लेकिन आपने, मैंने आपको देखा, आपने बहुत वेट कम किया। अच्छा, बीच में इवन हमारे मेरे साथ भी यही है कि टेंडेंसी, बिकॉज माशाल्लाह पंजाबी है, राइट? पंजाबी लाहौरी जो होते हैं ना, उनके टेंडेंसी कभी अप एंड डाउन, ये इशू सारी जिंदगी रहता है। तो ठीक है, कभी गेन हो जाता है, कभी कम हो जाता है। इस बारे में ये दोनों अकेले बात करेंगे। आप तो, आप जैसे लोगों से बड़े जलन होती है मुझे। जी, मैं भी पंजाबी हूँ, लेकिन आप आपस में बात करें। पंजाबी है जब तक नजर ही नहीं आ रहा पंजाबी है कहीं से भी, बिल्कुल बिल्कुल स्किनी पंजाबी है। नहीं नहीं, ऐसी भी होती है। तो मैं घर में खाना नहीं मिलता, हम तो खाते पीते घर से। एक जी क्लिप आपको दिखाते हैं मारिया की एक्टिंग का। Maria, 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 Señorita Maria, Maria, Maria. वो गुस्से का बहुत तेज है। तुम्हें याद है ना, मेरी एक कजन थी जिसके हस्बैंड ने किसी लड़की से अफेयर चलाया था, तो क्या किया था उमेर ने? चोरी छुपे आगे बढ़ने वाला शख्स सिर्फ दो नंबर होता है। मैं खुदकुशी क्यों करूंगी हामिद? मुझे रस्सी कपड़े सुखाने के लिए चाहिए। उसे उसी के घर की बालकनी से नीचे फेंक दिया था। अरे, ये शो सिर्फ मेरी वजह से चल रहा है, सिर्फ मेरी वजह से। इसी कामयाबी में चैनल का हाथ है, ना स्क्रिप्ट का और ना डायरेक्टर का। क्या गाना मिल गया है बैकग्राउंड पे ना, जबरदस्त। अच्छा मारिया, ये बताएं कि आपने इंडिया में कभी जाने का इत्तेफाक हुआ या काम? आई थिंक यू डिड अ सोप, आई डिड अ सोप देयर, या आई डिड अ सोप देयर। और वो ये था कि हमारे यहाँ के लोकल चैनल का की प्रोडक्शन थी, जो वहाँ के प्रोडक्शन हाउस ने शूट की। सो इट वाज अ को प्रोडक्शन, सारे एक्टर्स उनके थे, सिर्फ यहाँ से मैं और क्या कहते हैं इमरान, इमरान अब्बास, हम दोनों यहाँ से गए थे। कैसा था एक्सपीरियंस वर्किंग? बहुत अच्छा था उनका, उधर वेरी प्रोफेशनल, वेरी। और बस मिंस मीट बन जाता है, कीमा बन जाता है, क्योंकि बॉम्बे इज सो कंजेस्टेड कि आप सुबह उठते हैं, अगर आपने कहीं 11 बजे पहुंचना है तो आप 8 बजे निकलेंगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक। और वैसे भी लेकिन वहाँ पे उनकी जो इवन फिल्म का तो और है, टेलीविजन का भी, उनका एवरीथिंग इज सो, आई मीन लाइक एट एनी गिवन टाइम देयर वर लाइक 70-80 पीपल, क्रू ही इतना होता था। और टाइम पे शूट था, डायरेक्टर सबसे पहले होता था, सबसे पहले डायरेक्टर। मैं मोमेंट जब तैयार होकर सेट पर आती थी ना, तो डायरेक्टर और कैमरामैन वगैरह बैठे होते थे, लाइटें बंद करके आते थे तो खोल के काम शुरू कर दिया। आई मीन एवरीथिंग यूज्ड टू बी रेडी, सो प्रोफेशनल। तो वो प्रोफेशनल तो बहुत। फिर उसके बाद आगे नहीं सोचा कि करूंगा? एक डेढ़ साल वहाँ पे किया, डेढ़ साल। अच्छा, बॉम्बे में? हाँ, डेढ़ साल, एवरी मंथ आई यूज्ड टू गो ना 15 दिन के लिए। तो वो था, दैट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस। लेकिन वो पाकिस्तान का प्रोजेक्ट था, कोई अपने फेवरेट हीरो हीरोइन से नहीं मुलाकात हुई वहां? नहीं, कोई खास करने की कोशिश भी नहीं की मैंने। आई नो यू हैव दैट, आई मेट पीपल, वेरी नाइस पीपल, बट वो ये है ना कि बिकॉज़ आई अगर वहां से कोई ऑफर होती भी, फॉर एग्जांपल टेलीविजन और समथिंग, जो एक आध कुछ बात हुई, बट द थिंग इज कि हम यहाँ पे काम करते हुए वहाँ पे कर ही नहीं सकते। और खुश है यहाँ पे, माशाल्लाह सक्सेसफुल है, क्या जरूरत है यहाँ पे अपने मुल्क में इतना नाम। फिया, आपका एक्सपीरियंस भी हुआ, यू वेंट टू इंडिया एंड इंटरव्यू फ्यू सेलिब्रिटीज, किस किस के इंटरव्यू किया? मैंने महेश भट्ट, सरोज खान, पूजा भट्ट,
और तो कैसा था एक्सपीरियंस? जैसे मारिया ने कहा जो हमारे यहाँ पर कमी है कि प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा वहाँ पर, और वो बड़ा ठक ठक काम है, जैसे यूरोप में होता है मिनट मिनट का हिसाब है, इस टाइम आप आए, काम हुआ, और जिस टाइम जो टाइम आपको दिया गया उस टाइम के बाद आप फ्री भी हैं. तो डेफिनेटली उस काम करने का मज़ा भी आता है. सब टाइम पर है, बहुत सारे लोग होते हैं, ये नहीं है कि बेचारा स्पॉट बॉय ही बूम लेके खड़ा है और वही चाय लेके आ रहा है बेचारा और वही. हाँ, तो आउटडोर शूटिंग में क्या क्या हमने पापा मिलने. तो मेरा ख्याल है ये तो कैरावैन से उतरे आप आराम से, यू फील लाइक अ स्टार. मैंने अभी रिसेंटली मैंने सरोज खान का काम तो किया था, लेकिन उसके अलावा रिसेंटली आई डिड अ कमर्शियल देन ही वाज एन इंडियन डायरेक्टर. उनका जो क्रू था 150 लोगों का, बट यू नो दे मेड मी फील लाइक आई वाज फीलिंग आई वाज ऐश्वर्या राय और समथिंग. तीन लोग मुझसे पूछे मैम आपको ये चाहिए, मैम छतरी, मैम ये, मैम वो. ये प्रोटोकॉल हमें यहाँ भी मिलता है, लेकिन वो आपको इतना स्पेशल फील कराते हैं. इवन द डायरेक्टर वो सो नाइस टू मी कि मेरा दिल करता था स्पेशल. देखिए उन्होंने आपके से एक काम लेना है और निकलना है, अच्छा फील कराते हैं और उसके लिए वो करते हैं, वो आपके लिए नहीं, आपके लिए नहीं करते, जो अपने प्रोडक्ट के लिए करते हैं, प्रोडक्ट के लिए. और आई वाज मतलब मैं इतनी रिलैक्स थी, मुझे इतना मजा आता दैट आई गेव माय बेस्ट एक्सप्रेशन. आई वुड अच्छा मारिया आपको नहीं लगता कि यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि एक्टर को इतना रिलैक्स्ड फील नहीं करने देते कि उसका मूड के हिसाब से? हमें तो खाना भी टाइम पे नहीं मिलता. हाँ वही मैं कह रही हूँ ना, मतलब कि बहुत कम प्रोडक्शंस ऐसी हैं, बहुत कम है, वो बेहतर हो रही हैं, बट आप मुकाबला नहीं कर सकते ना, बिकॉज इंडस्ट्री बहुत फर्क है, बहुत फर्क है. आपने खुद भी प्रोडक्शन की, वैसे मुझे लगता है पर्सनली जब आप खुद एक्टर एक प्रोड्यूसर बनता है ना, बेहतर होता है, बेहतर होता है, बिकॉज उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स पता होते हैं कि ये आर्टिस्ट ने फील करनी है. आर्ट मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्रू और आर्टिस्ट अपने होते हैं ना. हां, देन यू टेक केयर ऑफ देम, खाने का टाइमिंग और चाय टाइम और वो बाकी शूट होना होना. आई सर इवन मैंने जब प्रोडक्शन की, बिकॉज़ हमें अपनी शूटिंग्स पे सबसे ज्यादा ये फील होगी आर्टिस्ट के लिए, हमारे इतने इजी आर्टिस्ट हैं, आप उनको अच्छा खाना वक्त पे खिला दें बस वो आपको तंग नहीं करेंगे, आप 12 बजे तक कहेंगे बैठे रहेंगे. लेकिन यही यहाँ पर वही नहीं होता, आपको गंदा सा सड़ा हुआ सैंडविच बड़ी दिल से बात निकलती है. हाँ, और मूड अच्छा हो तो काम कितना अच्छा होता है. सही बात है. अच्छा लव के लिए मैं यू डिड कॉमेडी फॉर द फर्स्ट टाइम? नहीं, नॉट फर्स्ट टाइम, मैंने बीच में की है बट ये काफी अच्छे के बाद की है. तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? मतलब यू आर इनटू वेरी सीरियस एक्टिंग और बहुत कम करती हैं नबील के साथ स्पेशली. नबील के साथ मैंने वैसे भी बहुत काम किया हुआ एंड इज अ वेरी गुड फ्रेंड, और बहुत पहले जो किया था वो डबल ट्रबल किया था, उसमें शेख साहब थे, इस्माइल तारा में और फरा वाज़ देयर. तो वो था एक आध बीच में और किया था. हाँ, सिंगल प्लेज मज़र के और फसी के वो हम करते रहते हैं ऑन एंड ऑफ, लेकिन ये आई मीन पता ही नहीं चलता. ही इज़ अ वेरी गुड प्रोड्यूसर. अभी आपको करंटली किस डायरेक्टर के साथ सबसे अच्छा मज़ा आता है काम करने का? मुझे मज़र के साथ एंजॉय वर्किंग, मज़र एंड मज़र मुईन और उनकी तो फसी के साथ एक टीम है ना, तो फसी की स्क्रिप्ट बड़े मज़े की होती है और मज़र से मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत है, तो वो एक बड़े इंटेंस और डार्क 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 भी होता है. कॉमेडी उनकी बहुत, मुझे फसी की कॉमेडी बहुत, टाइमिंग बड़ी होती है कॉमेडी में. टाइमिंग का सारा भी हम लोग कैसे गेम है, बड़ी मुश्किल लगती है मुझे कॉमेडी. एकदम रह गए तो आप रह ही गए. हाँ, बस वो रह गए तो रह गए, फिर वो ये थोड़ी है कि आप पॉज देंगे, यू करके देखेंगे और एक आंसू गिरा देंगे. हमारे आपकी आवाज़ जो है वो बड़ी बहुत अच्छी है, और मतलब तलफ्फुज़ भी और वो जो लफ्ज़ों की अदायगी. तुम गाना गाती हो? नहीं, सिर्फ सुनती हूँ. नहीं, ये हो नहीं सकता, बाथरूम में तो गाती हूँ. बिल्कुल नहीं, सुरीली आवाज़ है, ये और नहीं सकता. बिल्कुल नहीं, इनको पता है कि हमने पूछना गाने का, इसलिए ना ना नहीं, सीरियसली नहीं, मैं कभी नहीं गुनगुनाती भी नहीं हूँ. आयशा उससे सुनती रहती हूँ, इतने अच्छे गाने वाले हैं, उनको उनका काम करने दें, हम अपना काम कर रहे हैं. जी एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक का अनाउंसमेंट, एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, और उसके बाद बड़े ही इंटरेस्टिंग सवाल हमारे से करने वाले हैं, तो आप चैनल चेंज मत कीजिएगा.